बिग बॉस यानी कि प्रॉब्लमों का घर, और इस घर के अंदर एक प्रॉब्लम शुरू होती है और दूसरी ख़त्म भी नहीं हो पाती। आपको बता दें कि इस घर में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। इस सीज़न के अंदर अगर लोहिका जोका निकाला जाए तो इस बार सीज़न में हमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि शहनाज के अलावा शायद ही घर के अंदर कोई इंसान था जिसने किसी को इंटरटेन करने के बारे में सोचा हो। थोड़ा बहुत शहनाज और थोड़ा बहुत सिद्धार्थ दे, इन दो लोगों ने मिलकर घर वालों को इंटरटेन करने की सोची। वहीं सिद्धार्थ दे के ऊपर ये इंटरटेनमेंट का तरीका काफ़ी गलत पड़ता नज़र आया बीबी टॉय फैक्ट्री टास्क के दौरान। लेकिन दोस्तों, अगर 3 हफ्ते का पूरा ब्यौरा निकाला जाए तो इस बार बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा ख़राब शुरुआत के साथ टास्कों में उतर रहा है। अगर पहले टास्क की बात करें तो जहां पर सभी लोग कंफ्यूज हुए रानी वाले टास्क में, वहीं अब जो दूसरा रानी का टास्क हुआ था उसके अंदर टास्क को पूरी तरीके से किया ही नहीं गया। यानी कि दो बार नहीं मिलने वाली है क्वीन। क्योंकि बात करें तो शुरुआत के अंदर जब क्वीन का सिलेक्शन हुआ था तो घर के अंदर डिसाइड नहीं हुआ था और इस तरीके से कोई भी क्वीन नहीं बन पाया था। और जब दूसरी बार देवोलिना क्वीन बनी तो सभी को लगा कि अब अगले हफ्ते में नॉमिनेशन से बचने का ये तरीका अच्छा है। इसी के साथ अब जो है इस हफ्ते भी कोई क्वीन नहीं मिली है, तो 4 हफ्तों में से 2 हफ्ते तो किसी को भी ये प्रिविलेज नहीं मिली कि वो घर की क्वीन बन पाए। दोस्तों, अब एक ही हफ्ता रह गया है फिनाले को लेकर। वहीं टास्क के दौरान हुए इन सभी अड़ंगों को लेकर बिग बॉस में सलमान खान वीकेंड का वार में सभी की क्लास लगाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, अगर पूरे हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कौन था और सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन था? हमें कमेंट करके आप अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, क्योंकि यही मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।